हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 28 फरवरी 2023 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक में हमें 1.99% का पॉजिटिव क्लोजिंग देखने वाला। क्लोजिंग यहाँ पे 856.40 पे देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो है यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने लगा। कैंडल यहाँ पे जरूर मीडियम साइज की, ऊपर के साइड में बारीक सी भी कमी देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 50 के आसपास जो यहाँ पे 50-51 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है, जो हमें यहाँ पे दोनों साइड का यानी कि न्यूट्रल सा इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जाए पॉजिटिव क्लोजिंग का। एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव हमें देखने मिले सबसे पहले 865 के आसपास, अगर उसको भी क्रॉस कर दिया गया तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो हमें 877 तक ईजिली आते देखने मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है वो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते बाइंग करने के लिए वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करते हैं 868 के ऊपर अगर स्टॉक दो दिन तक जो सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर जब वहां पे बाइंग करें, वहां से आपको 5-10% का इजीली अपसाइड मूव जो 10-15 डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करें तो करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा स्टॉक का आप आराम से गिरने दे 760 के आसपास जो स्टॉक कभी भी है जरूर जब वहां पे बाइंग करें। बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लेवल है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जो अपना 100% कैपिटल जो यहाँ पे ना डाले, सिर्फ वैसे 20-25% तक का आप कैपिटल अपना डालें, बाकी का कैपिटल आप होल्ड करके जब भी आपको एडिशनल यहाँ पे फॉल जो है 10-20% का देखने में तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कम करना। जितना लॉन्ग टर्म के लिए आपका बाइंग एवरेज प्राइस कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा, ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर मार्क है। कुछ नया हमें डेटा बनते हुए देखने में उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स भी जो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा मैं जूम कर ले ताकि हमें इंपॉर्टेंट डेटा जो कल के लिए रहने वाला है वो हमें क्लियरली देखने मिले। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 857.9 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई, यानी कि बहुत ही पास में हमारे डायरेक्ट रेशन के इसमें पास में क्लोजिंग हुई। 854.35 हमारा डायरेक्ट सपोर्ट है और डायरेक्ट रेशन आता है 858.10 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रीजन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रीजन वो यहाँ पे आपको बता देता हूं। डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 851.75 का, उसके बाद क्या 847.45 का। यहाँ पे डायरेक्ट रीजन के बाद का अगला रीजन आता है 860.85 का, उसके बाद क्या 864.25 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रीजन आपको बताए हैं
जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव क्लोजिंग का है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा हमें जो है नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में जो है नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिले, लेकिन कल के दिन हम जरूर जो है देखेंगे कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन, क्योंकि थोड़ी सी भी गैप अप ओपनिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे जो है 20.20 का डिफरेंस है, थोड़ी सी भी गैप अप ओपनिंग है तो स्टॉक और जो ऊपर हमें आते हुए देखने मिल सकता है। ओवरऑल आज के क्लोजिंग बेसिस कल के लिए हम नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में, लेकिन यहाँ पे अगर जो है हमें प्री ओपन मार्केट में गैप अप देखने मिला तो ऊपर के इसमें जो स्टॉक हमें आते हुए देखने मिल जाए और फिर ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग भी हमें देखने मिल जाएगी। तो कल के दिन जरूर स्टॉक का जो है प्री ओपन मार्केट में जो किस तरह से परफॉर्म करता है देखें और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।